इस वीडियो से हम सीखेंगे समीकरण क्या है, समीकरण में समता के चिन्ह का अर्थ क्या है और समीकरण के हल को खोजने का क्या अर्थ है। यहाँ देखिए, यह एक तराजू है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में भार यानी वेट समान होता है तभी वह संतुलित यानी बैलेंस होता है, अन्यथा नहीं। अब मान ले हमने दाहिने पलड़े में चार गेंदे और बाएं पलड़े में बिना गिने कुछ गेंदे रखी, जिससे बाया पलड़ा नीचे हुआ और दाहिना पलड़ा ऊपर। अब क्या आप बता पाएंगे कौन से पलड़े में ज्यादा गेंदे हैं? चूंकि बाया पलड़ा नीचे हुआ है और दाहिना पलड़ा ऊपर, तो निश्चित ही गेंदों की संख्या बाएं पलड़े में ज्यादा होंगी। यहाँ क्या हमें बाएं पलड़े में रखी गेंदों की संख्या ज्ञात है? नहीं। तो क्या इसे हम चर यानी वेरिएबल कह सकते हैं? हाँ, किसी अज्ञात संख्या का मान निश्चित न होने के कारण बदल सकता है यानी वैरी हो सकता है, इसलिए यह संख्या एक चर यानी वेरिएबल कहलाती है। आइए इस चर के लिए एक्स अक्षर का प्रयोग करें। इसके साथ क्या आप तराजू की स्थिति को गणित में व्यक्त कर पाएंगे? इसे व्यक्त करेंगे x 4 से अधिक से। अब अगर हमें तराजू को संतुलित स्थिति में लाना हो तो क्या करना होगा? जाहिर है हमें x गेंदों में से कुछ गेंदे निकाल लेनी होगी। यहाँ अगर हम x गेंदों में से एक गेंद निकाल लेते हैं तो बाएं पलड़े में गेंदों की संख्या होगी x ऋण 1। यह हुआ चरों वाला एक व्यंजक यानी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। लेकिन अब भी तराजू संतुलित नहीं है, इसका अर्थ हुआ x ऋण 1 भी 4 से बड़ी संख्या है। अब अगर हम एक और गेंद निकाल लेते हैं तो अब x गेंदों से कुल दो गेंदें कम हुई यानी व्यंजक बना x ऋण 2, और इसी के साथ तराजू भी संतुलित हुआ। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ गेंदों की संख्या समान है या x ऋण 2 बराबर है 4 के। इसे एक समीकरण यानी इक्वेशन कहते हैं। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बाया पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और दाया पक्ष यानी राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों में संतुलन का संबंध यानी बराबर का मान व्यक्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच समता के चिन्ह का यानी इक्वल साइन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ समीकरण में दोनों पक्षों का मान बराबर होता है। इसी के साथ जरूरी नहीं कि हर समीकरण में एक चर हो ही। जिन समीकरणों में सिर्फ निश्चित संख्याएं होती है उन्हें सांख्यिक समीकरण यानी न्यूमेरिक इक्वेशंस कहते हैं। आमतौर पर समीकरण शब्द सिर्फ चरों वाले समीकरणों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब x ऋण 2 इस व्यंजक को देखें। इसमें हम x का कोई भी मान ले सकते हैं। क्या समीकरण में भी x का कोई भी मान लिया जा सकता है? आइए इसे समझें। अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो बाया पक्ष होगा 3 ऋण 2 बराबर 1। क्या यह दाएं पक्ष के बराबर है? नहीं, यह कम है यानी x का मान 3 होने पर समीकरण संतुष्ट नहीं होती। इसी तरह x का मान 4 हो या 5 तब भी समीकरण संतुष्ट नहीं होती। लेकिन x का मान 6 लेने से हमें बाएं पक्ष में 6 ऋण 2 बराबर 4 प्राप्त होते हैं, जो दाएं पक्ष के बराबर है। इससे अब समीकरण संतुष्ट होती है। इसी तरह x का मान 7 हो या उससे अधिक तब भी समीकरण संतुष्ट नहीं होती। इससे एक बात समझ में आती है, चर के किसी एक निश्चित मान के लिए समीकरण संतुष्ट होती है, इसलिए चर पर समीकरण एक प्रतिबंध होती है। चर के जिस निश्चित मान से समीकरण संतुष्ट होती है उसे समीकरण का एक हल यानी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कहा जाता है। हल प्राप्त करने के लिए चर को कोई मान देकर समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, यह जानने की विधि को प्रयत्न और भूल विधि यानी ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है।
ऐसी कई विधियां हैं जिन्हें हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे। इससे आपको समीकरण क्या है, समीकरण में समता के चिन्ह का अर्थ क्या है और किसी समीकरण का हल क्या होता है, इसकी समझ बन गई होगी। धन्यवाद।